नमस्ते, वेलकम बैक नेचुरल नम्रता। कैसे आप लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल मजे में होंगे और अपना ढेर सारा ध्यान रख रहे हो। स्किन की डेड स्किन और डलनेस को दूर करने के लिए स्किन को, चेहरे को एक्सफोलिएट करना बहुत जरूरी होता है। कि त्वचा पर मौजूद जो मृत कोशिकाएं होती है ना, वो हमारे स्किन का निखार जो है वो छीन लेती है। जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं तो धूप, प्रदूषण, धूल मिट्टी के संपर्क में आते हैं, जिससे क्या होता है, हमारी स्किन को नुकसान पहुंचता है। हमारी स्किन के जो नेचुरल ऑयल होता है ना, ये उनके साथ मिलकर हमारे रोम छिद्रों में जमा हो जाते हैं और उससे क्या होता है, हमको कील, मुहासे, दाग धब्बे, इसकी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए समय समय पर हमको चेहरे को एक्सफोलिएट करना बहुत ज़रूरी होता है। उससे क्या होता है कि हमारे चेहरे पर चमक आ जाती है, डेड स्किन के जो सेल्स, डेड सेल्स होते हैं वो निकल जाते हैं और चेहरे पर एक नेचुरल ग्लो आता है। लेकिन आप जानते हो, बाज़ार में इतने महंगे महंगे स्क्रब जो है वो अवेलेबल है और हम उसको जब यूज़ करते हैं तो ये हमको फ़ायदा देने के बजाय उल्टा नुकसान ही देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही आसान तरीका, बहुत ही नेचुरल तरीका। आपके किचन में है वो सारी चीज़ें, आपको कुछ भी बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम घर पर ही स्क्रब करेंगे और किससे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता रही हूँ कि बेसन की मदद से हम घर पर ही स्क्रब किस तरीके से करें, बहुत आसान है। तो हम फटाफट से एक खाली कटोरी ले लेती है, ठीक है। आपका फेस बिल्कुल क्लीन होना चाहिए स्क्रब करने के पहले, मतलब धो लीजिए, पानी से धो लीजिए, सादा सिंपल, ज़्यादा कुछ ये नहीं, क्योंकि अपन स्क्रब जो करेंगे तो ऑलरेडी वो चेहरे के जो गंदगी जमा है वो निकल ही जाएंगे, ठीक है। तो खाली कटोरी लेने के बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक चम्मच के करीब बेसन, ठीक है। एक चम्मच बेसन ली हूँ मैंने इसमें, और अब हमको इसमें दूसरी चीज़ क्या लेनी है, कॉफ़ी, ठीक है। देखिए, कॉफ़ी ली हूँ मैंने, कॉफ़ी पाउडर ली हूँ, तो इसको हम इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है। अगर आपके पास कॉफ़ी नहीं है तो चीनी ले लीजिए, चीनी को थोड़ा सा मिक्सर में घुमा लीजिए, हल्का दरदरा, है ना। तो अब हमको इसमें तीसरी चीज़ क्या लेनी है मैं आपको बताती हूँ। तीसरी चीज़ हमको इसमें लेना है एलोवेरा जेल, ठीक है। आपको पता है बेसन में एंटीऑक्सीडेंट और मॉइस्चराइजिंग गुण होते हैं, ये ना त्वचा की जो डेड स्किन के जो सेल्स है उसको साफ करने के लिए बहुत फायदे, बहुत इफेक्टिव है। देखो, नीचे गिर रहा था, बच गया। तो ये मैं इसमें डाल लेती हूँ, ये हो गया आधी चम्मच के करीब, ठीक है। तो भाई, अब हमको इसको मिक्स कैसे करना है। इसको मिक्स करने के लिए आपको लेना है सबसे पहले यहाँ पर एक तो सादा सिंपल पानी से आप इसको ले सकते हैं, दूध से या दही से, या फिर गुलाब जल हो, किसी भी चीज़ से आप इसको मिक्स कर सकते हो, ठीक है। मैं करती हूँ इसको दही से मिक्स, ठीक है। मैं एकदम पतला दही ले रही हूँ, दही का पानी समझ लीजिए आप, ठीक है। इसको मिक्स करने के लिए तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव, यानी कि इफेक्टिव रेमेडी है। और ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें आपके घर पे ना हो, या आपके घर में आसानी से मिल जाएंगी। अगर आपके पास एलोवेरा जेल नहीं है ना, तो आप प्लांट का भी ले सकते हो। एलोवेरा प्लांट तो हर किसी के घर में होता है आजकल। तो भाई, मैंने इसको देखिए अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। तो मैं ना इसको चेहरे पर अपने अप्लाई करती हूँ, ठीक है। इससे आप देखोगे ना, एक ही बार में आपका चेहरा इतना ग्लो करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। जो आप मार्केट से लेते हो ना स्क्रब वगैरह, उससे तो लाख गुना अच्छा है। एक तो ये नेचुरल है, बहुत ज़्यादा नेचुरल है ना, इसमें कोई केमिकल नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे आपको इसके। इसको आपको क्या करना है, अच्छी तरह से
मसाज करनी है, मतलब सर्कुलर मोशन में मैं एक हाथ से कटोरी पकड़ के हूं ना, इसलिए मैं एक हाथ से कर रही हूँ। तो मैं इसको लगा के ना आपको दोनों हाथ से करके दिखाती हूँ, ठीक है? आपको क्या करना है, इसको अच्छी तरह से, मेरे को तो यहाँ इतना बड़ा पिंपल्स आया है, आते रहता है कभी कभी मेहमान नवाजी के तौर पे, चले जाएंगा वो, लेकिन अभी बहुत दिन हो गए, 4-5 दिन वो गया नहीं है। आपके जो डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है ना, वो भी इससे चली जाएंगी, दूर हो जाएंगी। और सबसे मेन है कि आपके चेहरे पर जो धूल मिट्टी गंदगी जमी हुई है, मैंने बताया आपको कि आप जब घर से बाहर निकलते हो तो क्या होता है आपके स्किन के साथ, यहाँ पे ज़्यादातर इस एरिया में ज़्यादातर हाथ नहीं पहुँचता है, यहाँ पर ज़्यादा गंदगी जमा रहती है इस एरिया में बहुत लोगों के। अच्छी तरह से चेहरे पर यहाँ यहाँ पर किसी का काला काला होता है, क्या है वो डेड स्किन, जब वो प्रदूषण जो है जमा हो जाता है ना तेल के साथ पे, तो बहुत ज़्यादा अंदर तक यानी कि गहराई तक पहुँच जाता है, ठीक है? इसीलिए ये हमको इस तरह से कर लेना है इसको। सॉरी, तो भाई ये हो लगा लिया है मैंने, हम इसको ना रखेंगे 10 से 15 मिनट, ये सूखने के बाद इसको वॉश आउट करेंगे, ठीक है? ये ना पूरा ड्राई हो गया है, ठीक है? देखिए, ठीक है, तो अब मैं आपको पोंछ कर दिखा रही हूँ यहाँ पर, ठीक है? ये मैंने कॉटन लिया है और ये कटोरे में लिया है पानी। आप ऐसे जाके डायरेक्ट धो सकते हैं वॉश बेसिन में। ये देखिए भाई, देखिए आप, चेहरा सूख गया ना ये, इसीलिए। आप देखेंगे कि आपके चेहरा की जो जितनी भी डेड स्किन, जो धूल मिट्टी बहुत जबरदस्त तरीके से जो रोम छिद्रों में जम गई थी ना, वो सब निकल जाएंगी, चेहरा आपका बिल्कुल चमक उठेगा इससे। तो देखिए आप कितना साफ दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं ना ये आपको दिखाने के लिए यहाँ पर धो रही थी, मैं वहाँ बेसिन में धो के आती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ, ठीक है? तो भाई मुंह धो के आ गई मैं, देखिए आप कितना साफ लग रहा पहले से, देख रहे? तो फ्रेंड्स, ये जो रेमेडी है ना, ये जो हमने स्क्रब बनाया, बहुत ही ज्यादा प्रभावी है, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो मैं कल मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।